आरोन बस हादसे के बाद पोहरी में पुलिस ने बस ट्रक की चेकिंग कर चालानी कार्यवाही की। मध्य प्रदेश के आरोन में बीते दिनों बस में आग लगने से बड़ा दर्दनाक हादसा घटित हो गया था, जिसके बाद बस में सवार कई यात्रियों के जलने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले को प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया और जिले भर चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई, जहां शनिवार को पोहरी थाना परिसर के आगे पुलिस ने वाहन चेकिंग लगाकर बसों व ट्रक के कागजात की जांच की, साथ ही कमी मिलने पर चालानी कार्यवाही की है, जहां अनफिट बसों को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया और लगातार कार्यवाही करते नजर आ रहा है। वहीं पोहरी में शनिवार को 9 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गुना में जो घटना हुई काफी घटना थी, इससे सबक लेते हुए सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। जो भी खतारा बसें हैं, जो फिटनेस नहीं है इनकी बसों की सही, और इनके पास दस्तावेज नहीं है, उन बसों की दस्तखत की जाए और आम आदमी को जोखिम से बचाया जाए, इसके माने प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है और बसों की पूरी तरह जांच की जा रही है, कौन बसें नियमानुसार चल रही हैं, किसके पास दस्तावेज है, किसके पास नहीं।